अंबाला छावनी की जनता स्वीट्स की दुकान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बेशकीमती मिठाई के काउंटर में चूहा इधर से उधर दौड़ रहा है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद इसकी सच्चाई जानने हमारी टीम भी अंबाला छावनी की जनता स्वीट्स में पहुंची और वहां जाकर उस दुकान और वायरल वीडियो में दिखाई दे रही दुकान को खंगाला। दुकान के मालिक से जब हमने इस वीडियो के बारे में बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह बदनाम करने के लिए किसी ने उनकी दुकान का नाम लेकर ये वीडियो वायरल किया है, जबकि ये वीडियो उनकी दुकान का है ही नहीं। आपको बता दें, अंबाला की ये मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट काफी पुराना है, लिहाजा वीडियो वायरल होने से दुकान मालिक को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत अंबाला पुलिस को दी, जिसमें उन्होंने गलत वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की लिखित शिकायत दी। वहीं आपको बता दें, जांच अधिकारी की माने तो ये वीडियो वास्तव में किसी ने जानबूझकर जनता स्वीट्स का नाम लेकर फैलाया गया है। फिलहाल पुलिस वीडियो वायरल करने वाले की तलाश कर रही है ताकि उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। ये वीडियो जो है फेक वीडियो है, मेरी शॉप का इससे कोई लेने देना नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो काउंटर्स इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं उसमें चार शेल्फें हैं, जबकि मेरे जो काउंटर्स इस समय एट प्रेजेंटली लगे हुए हैं जो पिछले 7 सालों से हैं, उनके अंदर 3 ही शेल्फें हैं। ये शॉप कोई बहुत बड़ी शॉप है, मेरी शॉप तो इसे आधी भी नहीं है। जो मेरे काउंटर के ऊपर मोनोग्राम्स लगे हैं, आप देखिए अभी कैमरा देखे, राउंड फिगर में है। इसके जो काउंटर्स हैं वो प्लेन में हैं और इसके हर काउंटर के अंदर एक पार्टीशन है। मेरे काउंटर्स एक कॉन्टीन्यूटी में है, कोई पार्टीशन नहीं है। ये श्री अपना वीरेंद्र कुमार जी हैं, ये जनता स्वीट हाउस के अंबाला कैंट के मालिक हैं। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया है भी उनकी दुकान को बदनाम करने के लिए किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को देखने के बाद मौके का निरीक्षण किया मैंने आके, तो यहाँ पर पाया गया कि काउंटर में, फर्श में, सीलिंग में, ऑफिस में काफ़ी डिफरेंसियाँ हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस दुकान का नहीं है, जो जनता स्वीट हाउस को बदनाम करने के लिए जिसने भी ये सोशल मीडिया पर डाला है उसके खिलाफ जांच की जा रही है। जब भी इसके कोई तथ्य सामने आएंगे तो कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी।